क्या आप जानते हैं कि जेसीबी पीले रंग की क्यों होती है? या फिर क्या आपको पता है कि जहाज में काम करने वाले लोग पेट के बल उल्टा क्यों सोते हैं? क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन में ब्रश करने पर जेल की सजा हो सकती है? और क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क के लोग अपने घर के ऊपर का खाली स्पेस बेचकर लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, समुद्र में रोजाना कई जहाज चलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाज में काम करने वाले कर्मचारी पेट के बल सोते हैं? दरअसल समुद्र में मौसम कभी भी खराब हो सकता है, जबकि तेज लहरों की चपेट में आने से अक्सर जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। जहाज में रखा सामान इधर उधर गिर जाता है, जबकि जहाज में काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में अगर जहाज किसी ऐसे इलाके से गुजर रहा होता है जहां समुद्री लहरें तेज होती हैं, तो रात के समय कर्मचारी अपने बिस्तर पर पेट के बल उल्टा सो जाते हैं। ऐसा करने से वो बिस्तर से चिपके रहते हैं और जहाज के तेज गति से हिलने पर बेड से नीचे नहीं गिरते हैं, जबकि उल्टा सोने से कर्मचारियों को चोट लगने या फिर घायल होने की संभावना भी कम रहती है। यही वजह है कि जहाज में काम करने वाले लोग तेज लहरों के बीच उल्टा सोना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर टू, साउथ कोरिया में स्मार्ट और स्टाइलिश दिखने का क्रेज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पब्लिक प्लेस से लेकर एयरपोर्ट में हर जगह कॉफी पीते या फिर कॉफी का ग्लास पकड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में कॉफी खरीदने के लिए आ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहरी लोगों को काफी कंफ्यूज कर देता है। दरअसल कोरिया के लोग आइस्ड अमेरिकानो कॉफी पीना पसंद करते हैं, जिसे वो कोरियाई भाषा में आ बोलते हैं। अगर आप कभी कोरिया जाएं और वहां आपको कॉफी पीने का मन करे तो आप आ कोड वर्ड का यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, न्यूयॉर्क शहर में कई ऊंची इमारतें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इमारतों को बनाने के लिए घर के मालिक को अपने पड़ोसी से जगह खरीदनी पड़ती है? दरअसल न्यूयॉर्क में एक नियम है जिसके तहत कोई भी घर अपने पड़ोस में मौजूद घर में हवा, पानी और धूप आने से रोक नहीं सकता। अगर किसी इंसान को चार मंजिला मकान बनाना है और उसके पड़ोसी का मकान दो मंजिला है, तो उसे अपने पड़ोसी से दो फ्लोर एक्स्ट्रा बनाने के लिए उसकी छत के ऊपर का खाली हिस्सा खरीदना होगा। इस तरह चार मंजिला मकान बनाने वाला व्यक्ति दो मंजिला मकान वाले व्यक्ति से धूप, पानी और हवा खरीद लेता है, क्योंकि घर के बराबर में दो फ्लोर बड़ा मकान बनने से छोटे साइज वाले घर में धूप और हवा जैसी प्राकृतिक चीजों की सप्लाई में बाधा आती है। लेकिन जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है या फिर वो छोटे घर में रहना पसंद करते हैं, वो अपने पड़ोसी को अपने मकान के ऊपर के खाली हिस्से को बेच देते हैं और उसके बदले अच्छी खासी रकम ले लेते हैं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क सिटी में कई बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलती हैं, जबकि उनके आसपास मौजूद इमारतों या घरों का साइज छोटा होता है, क्योंकि बड़े घर वालों ने छोटे घर के स्पेस को खरीद लिया होता है और इस नियम को अनयूज्ड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर फोर, भारत में रोजाना सैकड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन में ब्रश करना या फिर हाथ मुंह धोना गैर कानूनी माना जाता है? दरअसल रेलवे स्टेशन में लगे पानी के टैंक के पास ब्रश करना, मुंह धोना, थूकना, बर्तन या कपड़े धोना कानूनन अपराध है, क्योंकि पानी की टंकी को सिर्फ पीने का पानी भरने के लिए बनाया जाता है और यात्री इसका इस्तेमाल अपनी निजी साफ सफाई के लिए नहीं कर सकते। हालांकि अगर किसी यात्री को ब्रश करना है तो वो रेलवे स्टेशन में बने शौचालय का यूज कर सकता है, लेकिन कई बार यात्री ट्रेन छूटने के डर से या फिर शौचालय में लगी लंबी लाइन से बचने के लिए स्टेशन पर बनी पानी की टंकी के पास ही ब्रश करने लगते हैं या फिर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होते हैं, जबकि ऐसा करने पर 500 रुपए का जुर्माना या फिर जेल की सजा हो सकती है। फैक्ट नंबर फाइव, आपने भी सड़क खुदाई या फिर बिल्डिंग में तोड़फोड़ करने वाली इस पीले रंग की मशीन को देखा होगा, जिसे जेसीबी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन का असल नाम बैकहो लोडर है, जबकि इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम जेसीबी है। हालांकि बैकहो लोडर पर जेसीबी लिखा होता है, इसलिए आम लोगों को लगता है कि इस पीले रंग की मशीन का नाम जेसीबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेसीबी का रंग पीला ही क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पीला रंग सतर्कता की निशानी होता है। इस मशीन के जरिए सुबह, शाम और रात हर वक्त काम किया जाता है। मशीन को दूर से आसानी से देखा जा सके, इसलिए इसका रंग पीला रखा गया है। इंसान की आंखें पीले रंग को आसानी से देख लेती हैं, जबकि ये रंग रात के समय लाइट को रिफ्लेक्ट करके सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को सतर्क करने का काम करता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट और दुर्घटना के मामले ना के बराबर देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।